Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. माह में आखिर कमी किस चीज की है? माह में कोई कमी नहीं, मगर मुझे कोई और पसंद। कोई और? कौन? तुम। तुमने हमेशा मेरी नामी और शराफत का खलत फायदा उठाया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ईद का जवाब पत्थर से देने में मजबूर हो जाऊं। मनु, इनको इनके हाल पर छोड़। ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधरते। ये शुक्रिया दादी। क्या कर रही हो? डिजाइंस बना रही हूँ। किसके लिए? ऑफिस के लिए। तुम ऑफिस जाओगी? जी दादो, बिल्कुल जाऊंगी। उसकी इस हरकत के बाद भी? दादू, फैजान ने जो कुछ किया है वो उसका राइट था, और फिर फैजान ने मुझसे ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी। तो इनकार करने का भी एक तरीका होता है, यूं मुंह फाड़ के सबके सामने नहीं कह देते। उसको जरा ख्याल नहीं आया कि खानदान वालों के सामने तुम्हारी कैसी बेइज्जती होगी? दादू, उसे ये बात अचानक पता चली थी, उसके पास सोचने समझने का कोई मौका नहीं था। फिर भी महा, मैं नहीं समझती कि तुमको ऑफिस जाना चाहिए। अरे जरीना को तो हजार मौके मिलेंगे बातें बनाने के। दादू, पहली बात तो ये है कि मुझे अब इनकी बातों की कोई परवाह नहीं, चाहे ताई अम्मी हो या फिर उनके बच्चे, मुझे अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना आ गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जॉब छोड़ भी दूंगी तो फैजान को पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं भी उसमें इंटरेस्टेड थी, तब मेरी और ज्यादा बेइज्जती होगी। बहुत समझदार है मेरी बेटी। दादो, आपकी ही तरबियत का असर है। अच्छा, दूध तो पी लिया जी। फैजान ठीक कह रहे हैं, हमारे दरमियान ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई, अब तो मैं भी ये मंगनी नहीं कर सकती। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैंने एक अपनी अच्छी दोस्त को खो दिया, और अब अगर महा रिजाइन करती है तो मैं अकेला कभी नहीं चला पाऊंगा कंपनी। उसकी डिजाइंस के बेस पर ही तो मिलते थे हमें ऑर्डर्स। उसकी इंसल्ट करके ये कहूंगा मेरे साथ काम करो? मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकता, क्या कहूंगा, कुछ कहने के काबिल ही नहीं। उसकी इंसल्ट करके ये कहूंगा कि मेरे साथ काम करो? कम इन। क्या हो गया फैजी, जब से वहां से आए हो रूम में बंद हो। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? इस घर में सिर्फ मैं नहीं रहती, मेरे अलावा दो और लोग रहते हैं, और वो शायद तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या उनकी वकालत करने आई हो यहाँ पे? मेरा ये मतलब नहीं था फैजी, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि मुझे इस वक्त कुछ नहीं समझती। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तना छोड़ो। जिन लोगों को असल में टेंशन में आना चाहिए ना, वो लोग बहुत रिलैक्स हैं, और तुम यहाँ खामखाई किसी। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो बता दो मुझे, मैं खुद चला जाता। एक सेकेंड, मैं जा रही हूँ।
फरी मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, सुफियान की नौकरी नहीं है। पता नहीं क्यों तुम जाने की जिद कर रही हो, यहीं रुको एक डेढ़ हफ्ते। अम्मी मैं घर जाऊंगी तो आंटी को कॉल करूंगी। कैसी जिद है फरी, ये कॉल तो एक हफ्ते बाद भी हो सकती है। अम्मी ये जिद नहीं मेरी समझदारी, मैं आज ही जाऊंगी और आज ही उन्हें कॉल करूंगी। वो ये इतना रो क्यों रही है? बता दे अम्मी मुझे, लेकिन मैं आज ही घर जाऊंगी क्योंकि सैफी को नहीं पता कि मैं घर आ रही हूँ, कहीं गए होंगे बाहर घूमने। इसी बात का फायदा उठाऊंगी और आंटी को कॉल करूंगी। ठीक है, वो तो सुनो बच्ची का ख्याल है, एक माह की हो गई है, इसका नाम तो रख लो कम अज कम। क्या नाम रखूं? सैफी ना खुद नाम रखते हैं ना मुझे रखने देते। चुप हो जाओ, क्या हो गया? अमाना आपने देखा ना, फैजी ने रात को खाना खाया और ना अभी तक नाश्ते की टेबल पर आया। अरे बुशरा आ जाएगा, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होगा। सारा बेटा तुम जाओ सरा जाके देख करो। नहीं आंटी, वो कल से मोर ऑफ है उसका, रात को भी मुझे झड़क दिया था। बुशरा अभी वो बहुत डिस्टर्ब है, उसे कुछ वक्त दो, इंशाल्लाह हो जाएगा नॉर्मल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ नाश्ता करो। नहीं डैड, एक्चुअली मैं ज़रा जल्दी में हूँ, ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहीं जा के करूँ। देखा अमान आपने, क्या हो गया? मैं जा रहा हूं ऑफिस, उसे वहां नाश्ता करवा दूंगा। फरी का फोन आ रहा है। हेलो फरी, कैसी हो बेटा? और मेरी पोती कैसी है? अच्छा माशाल्लाह। हाँ हाँ बोलो। ओहो अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ। हाँ हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या होना है, बहुत सख्त परेशान है वो, न घर में राशन है न बच्ची के लिए दूध। सुफियान पता नहीं क्या करता रहता है, सारा दिन मारा मारा फिरता है। लेकिन मैंने तो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए थे। मेरा ख्याल उसे पता नहीं चला होगा। खैर मैं अभी जाती हूँ, उसे कुछ पैसे दे आऊँ। हाँ सैफी को पता ना चले। हाँ उसकी फिक्र नहीं करें, वो घर पर नहीं है अभी। अरे बेटा नाश्ता करो। जी अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आइना, इसका नाम क्या रखा? अभी कुछ नहीं रखा, सैफी कह रहे थे खुद रखेंगे वो। हाँ इसकी फर्स्ट बर्थडे पे रखेगा, उसका तो हर काम ही सुस्त रफ्तारी से है। ओ बेबी। जी हाँ मेरे सारे काम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, सुस्त रफ्तारी से काम करना पसंद है मुझे, बर्क रफ्तारी से काम नहीं करता हूँ। लेकिन आप क्या कर रही हैं ये बताएं मुझे, मेरे घर में मेरी बीवी के सामने मेरी बुराइयां कर रही हैं। लेकिन बेटा मेरा ये कहने का मतलब तो नहीं था। आपका मतलब क्या है मुझसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। बचपन से लेके आज तक आपने फैजी को तरजीह दी और मुझे सिर्फ डिग्रेड ही किया है, और आज भी वही करने के लिए आई है। बड़ी मुश्किल से आपकी दुनिया छोड़ी है मैंने, यहाँ पे आके अपनी दुनिया बात की, पर आपने क्या किया, यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्या मैं जान सकता हूँ किस हक से आई हैं और किसने बुलाया आपको? अच्छा अब समझा मैं, इसी ने बुलाया होगा आपको। सैफी क्या हो गया? वो तो किसने मुझे नहीं बुलाया, मैं अपनी पोती को मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पर।
पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये पोती नहीं है आपकी, और दूसरी बात यह कि इतनी दूर से तकलीफ करके आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। प्लीज बेटा। खुदा हाफिज। इधर आओ। जाओ बेटा। हेलो मिस मा। हेलो, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था, आप फैजान साहब नहीं आएंगे आज? नहीं, वो आए थे किसी जरूरी काम से, मीटिंग में गए। बाहर मीटिंग के सिलसिले में? हम लंच पे जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रही हो विनी? तुम्हें इससे मतलब? तुम तो अपनी चहेती माँ के पास जाओ। क्या हो गया यार तुम्हें? अगर वो मेरी चहेती होती तो मैं तुमसे शादी थोड़ी करता। इसी बात को तो पछतावा है तुम्हें, जब भी तो बात बात पे उसकी खूबियाँ गिनवाते रहते हो। मैंने कब खूबियाँ गिनवाई हैं यार तुम्हें? ला को मानो, मुझे तो नफरत है उससे। वो तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं कराती, वरना तुम तो फिदा होने में देर ही ना लगाओ। ये समझ नहीं आ रही तुम क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रही हो यार। मैं अगर अपनी जिंदगी में किसी पे फिदा हुआ ना तो वो तुम हो, किसी और लड़की का कहाँ तुमसे मुकाबला। प्लीज ये झूठी तारीफें मेरे सामने ना करो। ठीक है फिर, अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मैं कभी भी नहीं पूछूंगा। बस एक बात याद रखना, मैं जिससे चाहे मिलूं, जो करूं, जहां जाऊं, तुम भी कोई सवाल नहीं करोगी मुझसे। छोड़ो ना शिवी, गुस्सा थूक दो, चल हम चलते हैं। मुझे नहीं जाना। मम्मी हमें लंच पर लेकर जा रही। अच्छा प्लीज नखरे मत दिखाओ। और ये बताओ कि तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? छुट्टी थी मेरी। चलें अब। ऐसे नहीं, पहले तैयार हो। अच्छा कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे, फिर भी तुम उनको घर बुला के दावतें कर रही हो यार। मैं क्यों बुलाऊंगी उनको घर पर? अच्छा तो उसका एड्रेस कहाँ से आया उनके पास? मैंने उन्हें एड्रेस नहीं दिया, और वैसे भी जो उस दिन आपकी कजन आई थी उसे एड्रेस मैंने दिया था क्या? खाक डालो एड्रेस पे। मुझे ये बताओ ये दरवाजा क्यों खोला, किस लिए खोला ये दरवाजा? बाहर दरवाजा नॉक हुआ, मुझे लगा आप होंगे, मैंने खोल दिया, मुझे क्या पता बाहर कौन है कौन नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, उस घर का कोई भी फर्द अब मुझे यहाँ नजर ना आए। अगर मुझे नजर आया तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस लहजे में बात कर रहे हैं आप सैफी? जो लहजा तुम्हें समझ में आता है ना उसी लहजे में बात होंगी। सही है, सबसे ताल्लुक खत्म करके बैठ जाए ताकि मुंह में कोई पानी डालने वाला भी ना बचे। क्या मतलब, किस बात की कमी है तुम्हारी जिंदगी में? क्या चीज ऐसी नहीं जो लाके मैंने तुम्हें नहीं दी, फिर भी तुम इतनी नाशुकरी कर रही हो? जी बारी बारी सब चीजें ना उठा कर ले गए वो, ना घर पे टीवी है ना फ्रिज है, कुछ बचा घर पर? मरो मत, ला दूंगा सब कुछ तुम्हें। जिंदगी हराम करके रख दी है मेरी। जिंदगी तो मेरी हराम हो गई। काम करते मेरी तो समझ में नहीं आता सारा, आखिर उसे हो क्या गया है? मगर आंटी जब जब मैं उसके घर गई उससे मिलने तो वो मुझसे बहुत अच्छे और नॉर्मल अंदाज में मिला।
वो सबसे ही अच्छे से मिलता है बेटा, और अपने ससुराल वालों के लिए तो जैसे पलके बिछाता हो। बुरे तो उसके लिए सिर्फ एक हम ही रह गए। आंटी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। बदगुमानी की कोई वजह जरूर होगी। कैसी बदगुमानी बेटा, सिर्फ इत्तफाकन हुए हुए हालात और वाकयात की कड़ियां मिलाकर एक कहानी सी बना ली उसने, और बस उसी को सोचता रहता है। कितना अच्छा होता कि हम सैफी को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते। सारा ये कोशिश भी की थी हमने, जब डॉक्टर को बुलाया तो एक हंगामा सा बर्पा कर दिया था उसने पूरे घर में। कहता था क्या मैं पागल हूं, फिर मैंने और अमान ने उसकी कंडीशन बताकर डॉक्टर से मशवरा करना शुरू किया, और डॉक्टर ने मशवरा दिया कि उसकी शादी कर लो। हम क्या जानते थे कि शादी के बाद इतने मसाइल बढ़ जाएंगे। है आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, और सैफी मुझसे बहुत अच्छे से मिला। मुझे यकीन है कि इस मसले में मैं जरूर कुछ कर सकूंगी। हाँ बेटा, तुम भी कोशिश करके देखो, शायद तुम्हारी ही सुन ले। तुम्हारे मेन डोर के पास जो पॉट है उसके ऊपर मैं पैसे रख आई हूँ, जरा ले लो। थैंक यू सो मच आंटी। मामा ने मुझे मौका ही नहीं दिया बात करने की, अंगूठी लेकर वो महा के घर सीधा चली गई। बेशक महा में हजार खूबियां हूं, मगर वो मेरे लिए आइडियल नहीं है। वो एक अच्छी बिजनेस पार्टनर बन सकती है, मगर जीवन साथी।